दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करती है। उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाता है, कभी घुसपैठिया कहा जाता है, कभी कहा जाता है ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसे लेकर पूरी तरह से अडिग थी मोदी सरकार, वो अचानक से बैकफुट पर आती है और उसे बिना पास कराए जेपीसी के पास भेज दिया जाता है उसमें खामियां ढूंढने के लिए। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ था। जो लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष की वजह से ही हुआ है, तो मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था, चाहे तो आप वीडियो पॉज कीजिए और मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए जो वक्फ बोर्ड पर मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। मैंने तब भी कहा था ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों की ताकत का नतीजा नहीं है कि मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास न कराकर जेपीसी के पास भेजना पड़ा, बल्कि ये सहयोगियों की तरफ से, यानी जो एनडीए में शामिल घटक दल है जो बीजेपी के साथी है, उन्होंने ही साफ साफ लफ्जों में बता दिया था कि किसी भी कीमत पर अगर ये बिल आता है तो हमसे उम्मीद मत करिएगा, हम समर्थन करेंगे। वो बात अलग है, जैसे ये जेपीसी के पास गया, बड़ी बड़ी डींगियां की जाने लगी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता कहने लगे, अलग अलग सहयोगी दलों के नेता भी, ठीक था बिल। लेकिन क्या वाकई ये समर्थन था? मैं तब भी कह रहा था, आज भी। दरअसल टीडीपी की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इसको लेकर भारी विरोध किया गया था, और अब जेडीयू ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मुसलमानों को लेकर ही तो है ना भाई, वक्फ बोर्ड है किसका? हिंदुओं का तो है नहीं, सिखों का तो है नहीं, ईसाइयों का तो है नहीं, वक्फ बोर्ड है किसका? मुसलमानों का। इस बिल को लेकर क्या किया जा रहा था आपको बता दूं, क्यों विरोध कर रहा है मुसलमान, इसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस बात को लेकर बड़ा संशय की स्थिति में रहते हैं कि ये तो भाई मुसलमानों के लिए अच्छे काम किए जा रहे हैं, उनकी जमीन पर कोई कब्जा ना कर पाए। इसको लेकर मसला नहीं है मुसलमानों का, मसला मुसलमानों का यह है कि ऐसे ही बोर्ड अलग अलग धर्मों में बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, उनके में भी बने हैं। क्या सरकार ये कर सकती है या सोच सकती है, या फिर जो कह रहे हैं सरकार के साथ खड़े होकर, चाहे वो हिंदू हो या सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, क्या वो इस बात का समर्थन करेंगे कि उनके बोर्ड में उनके समुदाय का ना एक व्यक्ति गैर समुदाय का हो? यही बोर्ड में यही एक प्रस्ताव रखा गया है कि इस बोर्ड के अंदर एक गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, इसी को लेकर मुसलमान पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं आप, इससे क्या तरक्की हो जाएगी? मुसलमान अपना हित सोच रहा है तो उसमें गलत क्या है? कोई दूसरा व्यक्ति आकर कौन सा अच्छा व्यक्ति सोच लेगा? यह सवाल का जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। लेकिन विरोध के बाद क्यों इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया वो पहले मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले देखिए नीतीश कुमार ने झटका कैसे दिया बीजेपी को। एबीपी न्यूज देखिए, इसने खबर छापी है, बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शुरू होंगे निर्माण कार्य। क्या क्या खबर पढ़कर मैं बता देता हूं। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, बाजार परिसर और अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही लिखा है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है नीतीश सरकार में जमा खान ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी फैसला लिया है। यानी एक तरफ बीजेपी के एक नेता भी हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, वो असम में ये कहते हैं कि उन्होंने मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, और बड़े गर्व के साथ छाती ठोककर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई सुनो, मैंने 800 मदरसे बंद किए। अब बीजेपी की सरकार नीतीश के साथ है, बीजेपी है नीतीश के साथ, लेकिन उसी जमीन पर अब 21 मदरसे बनाने की बात हो रही है। यह नीतीश की तरफ से साफ साफ संदेश पहुंचाया गया है मोदी सरकार को कि आप संभल जाइए और समझ जाइए, इस समय उस स्थिति में नहीं है कि आप अपने किसी भी फैसले को हमारे पर थोप देंगे। हो सकता है आपको मुसलमानों से दिक्कत होती हो, लेकिन यही मुस्लिम समाज जेडीयू को वोट देता है। याद करिएगा, जब 4 जून को नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, और उसके बाद साथ ही में आंध्र प्रदेश के नतीजे आए थे, तो टीडीपी सरकार बना लेती है, टीडीपी के साथ भी आंध्र प्रदेश में बीजेपी सहयोगी है। एक तरफ इधर क्या करा जा रहा था कि आरक्षण को लेकर, मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके उसमें ये करेंगे वो करेंगे, उधर उल्टा क्या किया टीडीपी की, यानी जनता चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने मुसलमानों के लिए तमाम चीजें घोषणा कर दी, कब्रिस्तान के लिए, मदरसों के लिए जमीन आवंटित, ये वो तमाम चीजें। ये किया गया नहीं किया गया, यानी दोनों ही सहयोगी दल किसी भी कीमत पर अपने वोट बैंक से मजाक नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं कि आपकी विचारधारा है, आप नहीं पसंद करते, आप ऐसी ही मसले निकाल कर लाते हैं, आप इतने सालों तक प्रधानमंत्री रहकर भी घुसपैठिया कहते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, और अगर इस पर दबाव डाला गया तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नमस्ते करना, और फिर हमने नमस्ते कर दी तो आपका भी प्रधानमंत्री पद से नमस्ते हो जाएगा, इसलिए थोड़ा संभल कर। कुल मिलाकर संदेश पहुंचाया गया नीतीश कुमार की तरफ से कि हम तो ये करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर,
मदरसे बनेंगे मदरसे, ये कह दिया गया। लेकिन उस वक्त भी मैंने बताया था कि ललन सिंह है, जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद है ललन सिंह। दरअसल ललन सिंह के बारे में मैं बता देता हूं, दो हैं जेडीयू के नेता, एक है ललन सिंह और एक है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। इन दोनों के बारे में कहा जाता है ये बीजेपी के ज्यादा करीबी हैं, नीतीश इन्हें पसंद नहीं करते। खासकर ललन सिंह को तो आपको बता दूं कि पिछली साल ही इनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया गया था, इन्हें हटा दिया गया था, बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन किसी तरह से दबाव डालकर इन्होंने बीजेपी के साथ इनका कोलिजन कराया और उसके बाद खुद मंत्री बन गए। कहा जाता है कि ललन सिंह जो कुछ भी कहते हैं वो मोदी सरकार के लिए बीजेपी के हितैषी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार उससे इत्तेफाक नहीं रखते। ये खबर मैंने पहले भी बताई थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो ललन सिंह कह रहे हैं उससे नीतीश कुमार इत्तेफाक नहीं रखते, और आज तक की इस खबर को पढ़ भी लीजिए क्या रहेगा। वक्फ बोर्ड बिल ही नहीं, नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे और भी हैं कारण। क्या कारण है जरा मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अभी तक यह समझा जा रहा है कि बीजेपी को उसके दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन हासिल है, ये कहा जा रहा है लगातार। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देखो आप दोनों की वजह से ही बना है, अगर आप नहीं होते तो ये होता, देखो मुसलमानों के खिलाफ क्या बोलते हैं। लेकिन ये अपने अपने तरीके से चल रहे हैं सर। आगे क्या कहा गया, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा गुरुवार को लोकसभा में एनडीए सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में दिए गए बयान से बीजेपी उत्साह में। उन्हें लगा कि ललन सिंह ने जो कुछ कहा वो जेडीयू का बयान है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह एक नहीं है। ललन सिंह इस हालात में है कि अगर नीतीश कुमार गुस्से में कोई कदम उठाते हैं तो आप याद रखिएगा, मेरा वीडियो भी याद रखिएगा और ये बात भी याद रखिएगा, ललन सिंह पहली फुर्सत में कूदकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो इस स्थिति में वो जानते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार पसंद नहीं करते और नीतीश कुमार ये कभी भी कदम उठा सकते हैं कि उन्हें बाहर भी कर दें। कुछ अता पता नहीं है, इनकी बनती नहीं है। यानी ललन सिंह ने जो कहा वो बीजेपी को खुश करने के लिए, मोदी शाह को खुश करने के लिए कहा, लेकिन क्या जेडीयू इसके लिए सहमत है? नहीं। कैसे? पढ़िए आगे। जेडीयू में इस बिल को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नीतीश कुमार इस बिल से खुश नहीं बताए जा रहे हैं, वो खुश नहीं है इस बात को लेकर। मैंने कहा ना, आप जानते हैं कि आपको वोट नहीं मिलता मुसलमानों का, इसलिए आप हमेशा ऐसे ही मुद्दे उठाकर लाते हैं, हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, उन तमाम लोगों को सहयोग करना, समर्थन करना जो मस्जिदों पर चढ़कर, गुम्बदों पर चढ़कर बदसलूकी करते हैं। अभी हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं का एक अधिकारी कहता है कि मैं मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदू कुछ भी कर दे उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सिर्फ मुसलमानों के घर ढहाए जाएंगे। ये विचारधारा इनकी यही है। तो इनके सहयोगी ने कह दिया कि आपकी विचारधारा है, लेकिन हम अपने होते हुए मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह के नए कानून की बात में समर्थन करेंगे नहीं। और यही वजह है दोस्तों कि अंदर खाने जब खबर मिली कि ललन सिंह तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन टीडीपी और जेडीयू दोनों नाराज चल रहे हैं, इसीलिए सरकार ने बैकफुट पर आए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को बस्ते में रखा, साइडलाइन कर दिया, लेकिन एक संदेश और पहुंचा दिया नीतीश कुमार ने तमाम अपने बीजेपी को के साथ साथ अपने तमाम समर्थकों को कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो बीजेपी की विचारधारा से वाकई ताल्लुक रखते हैं या नहीं, आखिरकार मदरसे बनने जा रहे हैं। नमस्कार।